साथ ही आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे RS, SI, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, LDC, राजस्थान पुलिस, पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान अध्ययन के इस तीसरे अभ्यास प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम के सभी बिंदुओं से कुल 50% सम्मिलित किए गए हैं और सभी प्रश्नों के बिल्कुल सूत्रम उत्तर मेरे द्वारा बताए जाएंगे। प्रश्नों के विस्तार की जहां भी जरूरत होती है वहां पर व्याख्यात्मक बिंदु हैं वो भी तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत होंगे और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। पहले प्रश्न में दिया है कि राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राजीव गांधी के जन्मदिन 20 अगस्त को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। तो राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार हैं वो प्रदान किए जाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। इसके अलावा 3 अन्य प्रश्न भी आपके तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर देखना, राजीव गांधी का जो जन्मदिन है वो 20 अगस्त को है, वो सांप्रदायिक सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995 में, 2000 में, 2001 में और 2005 में। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। इसका एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष है वो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वो इसके अध्यक्ष होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु से जो भी पहले हो तक होता है। फिर निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? रीमा हुजा, सतीश चंद्रा, सुमित सरकार, CR मजूमदार। तो एक पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक के लेखक हैं वो कौन हैं? तो वो हैं रीमा हुजा, एक नंबर विकल्प, प्रश्न का सही उत्तर। उसके बाद में उन 2 सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई। बारमल भगवान दास, राजा मान सिंह कोगाजीज, उदय सिंह, उम्मेद सिंह, रहीम खान खाना बैरम खां। तो उन 2 व्यक्तियों के नाम बताने हैं जिन्होंने अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। तो वो व्यक्ति थे राजा मान सिंह और कोका अजीत सिंह, 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। 5 में है कि ट्रेंच कमीशन संबंधित है अलवर किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से और जाट किसान आंदोलन से। तो ट्रेंच कमीशन है वो सन 1921 में स्टार्ट, बेगू किसान आंदोलन है जिसका नेतृत्वकर्ता रामनारायण चौधरी थे, इनके अगुवाई में इस ये आंदोलन शुरू हुआ था और इस आंदोलन का तमाम जो घटनाक्रम है उसके लिए कमीशन गठित किया था, ट्रेंच कमीशन। और लेकिन इस कमीशन ने क्या किया कि बिना जांच के ही अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत कर दी थी, जिस रिपोर्ट को है वो ना ही तो जागीरदारों ने या ना ही किसानों ने और ना ही इसके जो नेतृत्वकर्ता है उन्होंने उस रिपोर्ट को स्वीकार किया था। फिर सेकवाटी के ग्राम कटराथल में अप्रैल सन 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? नारायणी देवी, किशोरी देवी, दुर्गावती देवी, अमृता देवी। तो सेकवाटी का गांव था कटराथल जो सीकर में है और इसमें अप्रैल सन 1934 में हजारों जाट महिलाओं के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन में आंदोलन हुआ था, उसकी नेतृत्वकर्ता थी किशोरी देवी, 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। और किशोरी देवी है वो सेकवाटी का किसान नेता था सरदार हरलाल सिंह, उनकी धर्मपत्नी थी। और ये जो ग्राम सेकवाटी के गांव कटराथल में अप्रैल सन 1934 में हजारों जो जाट महिलाएं हैं वो इस किसान आंदोलन में भाग लिया था, उनका एक अन्य मुद्दा ये भी था कि सेकवाटी का ग्राम सीगोट है वहां के ठाकुर के द्वारा स्थानीय महिलाएं हैं उन पर काफ़ी अत्याचार किए गए थे जिनके विरोध स्वरूप हजारों जो जाट महिलाएं हैं वो इस आंदोलन में इकट्ठा हुई थी। फिर जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो जल झूलनी एकादशी है वो मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, 4 नंबर विकल्प सही उत्तर। 8 नंबर के सवाल में गोपा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, मियावड़ व नाहर आदि गौरी के पात्र जो नृत्य में निपुण हैं, छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है, गौरी उत्सव के पात्र हैं जो वाद्य यंत्र बजाते हैं और गौरी नाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो इसमें गोपा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, मियावड़, नाहर ये सब के सब छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है, 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 9 नंबर के सवाल में पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य है, पंचायती राज अधिनियम सन 1994 का मेन जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति का कल्याण, प्रशासन में जनसामान्य की सहभागिता में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, भ्रष्टाचार उन्मूलन। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 है इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रशासन में जनसामान्य की सहभागिता में वृद्धि, की लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होकर प्रशासन में भाग लें ताकि वो जो भी राजनीति के जो चरण हैं उनको लोग हैं वो अच्छी तरह से समझ सकें। उसके बाद में राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? अजमेर, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर।
तो राजस्थान सरकार है वो सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन जिस जिले में करती है वो है नागौर। तो नागौर में सबसे सर्वाधिक पशु मेले आयोजित होते हैं, जैसे रामदेव पशु मेला है, बलदेव पशु मेला जो मेड़ता सिटी में आयोजित होता है, वीर तेजाजी पशु मेला जो पर्वतसर में आयोजित होता है। इस तरह से सर्वाधिक पशु मेले हैं वो नागौर जिले में लगते हैं। उसके बाद में गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है, माउंट आबू, उदयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो गढ़सीसर सरोवर है वो है जैसलमेर में स्थित। तीन नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित हुआ 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2010, 14 नवंबर 2009 और 14 नवंबर 2010। पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह, स्वर्ण जयंती समारोह है वो 50 साल बाद में आयोजित होने वाली जयंती है। तो पंचायती राज है वो हमारे राजस्थान में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। तो 2 अक्टूबर 1959 में अगर 50 वर्ष काउंट करते हैं तो 2 अक्टूबर 2009 को राजस्थान में पंचायती राज जो स्वर्ण जयंती समारोह है वो आयोजित हुआ था। एक नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। उसके बाद में किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, सोलंकी शैली का, भूमि शैली का और पचपघाट शैली का और गुजर प्रतिहार शैली का। तो किराड़ू बाड़मेर में जो सोमेश्वर मंदिर है ये किस शैली में निर्मित मंदिर है, तो ये है गुजर प्रतिहार शैली का में निर्मित मंदिर। 4 नंबर विकल्प सही उत्तर। उसके बाद में राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री खोली गई, भीलवाड़ा में, भीनमाल में, मालपुरा में, निवाई में। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी का जो कारखाना है वो खोला गया था सन 1964 में। 1964 में कहाँ पर, भीलवाड़ा में। 1 नंबर विकल्प सही उत्तर। कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंधित है, डिस्कस थ्रो से, हेमर थ्रो से, जेवलियन थ्रो, शॉटपुट से। तो कृष्णा पूनिया है वो डिस्कस थ्रो है, इससे संबंधित खेल से संबंधित है। और सन 2010 में इसी खेल में दिल्ली के राष्ट्रमंडल खेल हैं उनमें स्वर्ण पदक भी जीता था। और जो कृष्णा पूनिया है वो वर्तमान में कांग्रेस की विधायक भी हैं सादलपुर चूरू सीट से। उसके बाद में किस प्राचीन सभ्यता को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है, कालीबंगा, बैराट, गणेश्वर, आहड़। तो ताम्रवती के नाम से जाने जाने वाली सभ्यता है वो है आहड़। आहड़ सभ्यता की खोज सन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास है उनके नेतृत्व में इसकी खोज हुई थी। और इस सभ्यता को अन्य नाम से जैसे ताम्रवती नगरी है वो है, आघाटपुर है, धूलकोट है, बनास संस्कृति के नाम से भी इस सभ्यता को जाना जाता है। 17 नंबर के सवाल में है कि पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है, बूंदी शैली, चावण शैली, जयपुर शैली और देवगढ़ शैली। तो पक्षियों को महत्व देने वाली जो चित्र शैली है वो है बूंदी शैली। बूंदी शैली में जितने भी जो दीवारों पर जो चित्र बने हैं वो सब के सब अधिकांशतः पशुओं से संबंधित हैं। ज़्यादातर जो पशुओं की किरणाएं हैं, पशुओं का इधर उधर उड़ना है, खेलना है, जो भी है वो सब के सब उनके चित्र हैं इस शैली में बने हुए हैं। 1 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 18 नंबर के सवाल में अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया था। तो अकबर हैं उन्होंने जो जितने भी जो राजस्थान के राजपूत राजा हैं उनका ऐतिहासिक दरबार है वो नागौर में आयोजित किया था 1569, 1570, 1572 और 1575 में। तो 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। और इस दरबार का आयोजन करने का अकबर का मुख्य उद्देश्य ये था कि अपने शासन का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उन्होंने इस दरबार का आयोजन किया था, जिसमें अधिकांशतः राजस्थान के लगभग राजा हैं वो इस दरबार में सम्मिलित हो गए थे। और उन्होंने अपना जो समर्थन है वो अकबर को लगभग तह दे दिया था, जिसमें कुछ इस प्रकार के राजस्थान के राजा थे रावचंद्र सेन जैसे, जिन्होंने इस दरबार में शामिल नहीं भी हुए थे। तो 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। उसके बाद में 19 में है कि सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी को, पीर हाजी निजामुद्दीन, गुलाम खां। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जिसको जाना जाता है वो है हमीदुद्दीन नागौरी। तो हमीदुद्दीन नागौरी हैं, इनकी मज़ार है वो सुवल गांव नागौर में है, सुवल ये गांव का नाम है और वहां पर नागौर का ये गांव है और उसमें इनकी मज़ार बनी हुई है। और ये जो हमीदुद्दीन नागौरी हैं ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनके शिष्य थे। और ये हमीदुद्दीन नागौरी की जो दरगाह है ये वास्तव में सांप्रदायिक सद्भावना की एक अनूठी मिसाल है। फिर वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा, सीके एफ वाल्टेयर, मैक्स वेबर, जॉन वेलकम, कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान का अंग्रेजी इतिहासकार का नाम बताना है जिन्होंने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था फ्यूडलिज्म है उस पर सबसे ज़्यादा लिखा था, ये लिखा था कर्नल जेम्स टोड ने। इन्होंने 1829 में एक ग्रंथ प्रस्तुत किया था और वो ग्रंथ था एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस ग्रंथ का एक अन्य नाम भी दिया सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया।
तो ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में उन्होंने तमाम राजस्थान की रियासतों के की शासन व्यवस्था है, यहाँ की स्थानीय स्थिति है, लोगों का रहन सहन है, जीवन स्तर है, उन सब का वर्णन है वो अपनी पुस्तकों में किया था। तो ये कर्नल जेम्स टोड हैं, इन्होंने राजस्थान के इतिहास को एक नई दिशा है वो दी थी। उसके बाद में गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि राजस्थान में माउंट आबू की समुद्र तट से दूरी सर्वाधिक है। माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है। माउंट आबू उत्तर ऊंचाई पर अवस्थित है और माउंट आबू का वायुमंडलीय दबाव कम है। तो गर्मियों में माउंट आबू का तापमान है वो अन्य स्थानों की तुलना में कम रहने का कारण ये है कि माउंट आबू की उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है। माउंट आबू की सर्वोच्च चोटी है वो 1722 मीटर है। ये सबसे हाइट पर बसा हुआ राजस्थान का स्थान है, इसलिए यहाँ का जो तापमान है वो अन्य स्थानों के मुकाबले बहुत कम रहता है। साथियों, जो राजस्थान अध्ययन से जितने भी जो प्रश्न आ रहे हैं उनमें इतिहास, भूगोल और राजस्थान की संस्कृति है, या जितने भी जो अन्य राजस्थान के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं से प्रश्न हैं वो एक एक करके आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? ग्रेनाइट, क्वार्टाइज, बालू का पत्थर, बेसाल्ट। तो विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों का है? तो ये है बालू का पत्थर से निर्मित क्षेत्र है, जहां पर सर्वाधिक बालू का पत्थर की चट्टाने हैं वो बनी हुई है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तभी जी अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में, दुर्गापुरा जयपुर में। तो राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसके द्वारा सन 2000 में स्थापित किया गया था। कहां पर? तभी जी अजमेर में। एक नंबर विकल्प सही उत्तर। राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में सबसे बड़ा योगदानकर्ता क्षेत्र है। तो राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग एवं खनन क्षेत्र। जैसे कृषि क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है वो द्वितीयक क्षेत्र है, और सेवा क्षेत्र है वो तृतीयक क्षेत्र है। तो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान है तो वो है सेवा क्षेत्र का। तीन नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 25 में है कि राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टता नामांकित क्षेत्र है? कि दक्षिण कोरिया की जो कंपनियां हैं वो सबसे ज़्यादा अपने उद्योग धंधे हैं वो स्थापित किया है किस स्थान पर, ये हमारे को बताना है। रिको औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, गिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर, रिको औद्योगिक क्षेत्र प्रहलादपुरा, रतन औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़। तो दक्षिण कोरियाई कंपनियों का जो जमावड़ा है वो सबसे ज़्यादा है गिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर में। दो नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। फिर है बीजा और माला हैं मीणा समुदाय, मीणा जनजाति के दो समुदाय, सांसी जनजाति के दो समुदाय, डामोर जनजाति के दो समुदाय और सेरिया जनजाति के दो समुदाय। तो बीजा और माला हैं वो सांसी जनजाति के दो समुदायों के नाम हैं। दो नंबर विकल्प सही उत्तर। फिर छोटी तीज किस माह में मनाई जाती है? भाद्र माह में, चैत्र माह में, ज्येष्ठ माह में, श्रावण माह में। तो छोटी तीज और बड़ी तीज ये दो प्रकार की तीजें हैं, ये इनके उत्सव का आयोजन राजस्थान में किया जाता है। तो छोटी तीज है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाने वाली तीज है। इसके अलावा जो बड़ी तीज है वो भादवा कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, जिसको बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज के नाम से भी या कजली तीज के नाम से भी पुकारा जाता है। 28 में चंद्रभागा नदी कौन से जिले में बहती है? झालावाड़, भीलवाड़ा, बाड़मेर और कोटा। तो चंद्रभागा नदी है वो झालावाड़ जिले में बहती है, और झालावाड़ का जो झालरापाटन क्षेत्र है वो इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। फिर 29 में है कि तंग, मोरखा, गोरबंद एवं पिलाण है घोड़े के श्रृंगार की सामग्री, छकड़े से संबंधित वस्तुएं, ऊंट के सजावट की वस्तुएं और खेजड़ी व बड़ पूजन का सामान। तो तंग, मोरखा और गोरबंद और पिलाण है ये ऊंट को सजाने की वस्तुएं हैं। तीन नंबर विकल्प सही उत्तर। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लिंग अनुपात 1000 से अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के एक ऐसे जिले का नाम बताना है जिसकी ग्रामीण जनसंख्या का लिंग अनुपात है वो 1000 से अधिक है। पाली, चित्तौड़गढ़, नागौर, जालौर। तो पाली है वो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका लिंग अनुपात है वो ग्रामीण लिंग अनुपात है वो 1003 है, जो राजस्थान में सर्वाधिक है। फिर कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ पशुओं के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके नस्लों के नाम दे रखे हैं, जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। बकरी, बरवारी, गोवंश, नाली, भेड़ जैसलमेरी और भैंस भदावरी। तो इसमें जो बकरी है वो बरवारी नस्ल की है, ये तो सही है। भेड़ है वो जैसलमेरी
नस्ल से संबंधित है और बदावरी है वो भैंस से संबंधित है। लेकिन ये जो नाली है ये गोवंश से संबंधित नस्ल नहीं है, ये भेड़ से संबंधित नस्ल है, इसलिए दो नंबर विकल्प प्रश्न का उत्तर होगा। 32 में सन 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित में से कौन से जिलों से, राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाई गई। 2001 से 2011 के बीच राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाई गई। कोटों में दे रखे हैं बांसवाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। हमारे को विकल्पों में इनका सही चयन करना है। तो 30% से अधिक अगर जनसंख्या वृद्धि दर है तो वो जिले हैं जैसलमेर और बाड़मेर। विकल्प नंबर 4 है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसमें जो जैसलमेर बाड़मेर है उसकी जनसंख्या वृद्धि दर है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे अधिक 32.5% रही थी, और जैसलमेर की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो 31.8% रही थी, जबकि जोधपुर की जनसंख्या जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो 27.7 थी और बांसवाड़ा की 26.5 थी। इस तरह से 30 से अगर अधिक हैं तो वो जैसलमेर और बाड़मेर हैं, 30% से ज्यादा। 4 नंबर विकल्प सही उत्तर। उसके बाद में लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। तो लोक देवता गोगाजी हैं, उनका जो जन्म है वो विक्रम संवत 1003 में ददरेवा चूरू में हुआ था। तो ये जो गोगाजी हैं ये समकालीन थे महमूद गजनवी के समय। ये महमूद गजनवी है, ये 1000 ईस्वी के आसपास भारत में आया था। तो इनके समकालीन जो लोक देवता राजस्थान के थे वो गोगाजी थे। फिर लालसोट रावसोला बोमानी स्थान किस खनिज से संबंधित हैं? ये स्थान दे रखे हैं, कुछ दौसा जिले के कुछ स्थान हैं, यहाँ पर कुछ खदानें बनी हुई हैं जो किस खनिज की हैं ये बताना है। मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, लोहेसक। तो लालसोट, रावसोला और बोमानी क्षेत्र हैं ये, लोहेसक की खदानें हैं। 4 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। उसके बाद में वृहत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। वृहत सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये राजस्थान के किस भाग में है? ये यानी कि राजस्थान है उसमें अत्यधिक ये कटाफटा भूभाग है ये जो स्थान है, और इसमें बहुत ही गहरे गहरे खड्डे बने हुए हैं, एक तरह का बीड़ क्षेत्र भी है। तो ये जो वृहत सीमा भ्रंश है ये है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके में। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 36 में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान है वो राजस्थान के कौन से जिले में है ये बताना है। जयपुर, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर। तो ये पार्क है जो सज्जनगढ़ जैविक पार्क है ये उदयपुर में स्थित है। फिर पुनरुत्थित राजस्थान भागीदारी सम्मेलन जिसको रिसर्जेंट राजस्थान जो सम्मेलन है वो भी कहते हैं, ये सन 2015 में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? सीतापुरा जयपुर, कुकस जयपुर, भिवाड़ी अलवर, बोरानाडा जोधपुर। तो ये सन 2015 में सीतापुरा जयपुर में आयोजित एक उद्योगपतियों का सम्मेलन था जिसमें जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया या दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, इटली, ऐसे देशों के ऐसे बहुत से अन्य देश भी थे उनके उद्योगपति भी शामिल हुए थे। और इन्होंने इस सम्मेलन में सम्मिलित होने का उद्देश्य ये था कि राजस्थान की जितने की जो स्मार्ट सिटियां हैं, राजमार्ग हैं, मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, स्किल इन राजस्थान कार्यक्रम है, या पर्यटन से संबंधित जो भी नवीनतम गतिविधियां राजस्थान के लिए आयोजित की जा सके, इसके लिए ये उद्योगपति सम्मिलित हुए थे। तो यह सम्मेलन है ये 2015 में सीतापुरा जयपुर में हुआ था। उसके बाद में राजस्थान में श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल उद्योग कहाँ स्थित है? बूंदी, भिवाड़ी, जयपुर और कोटा। तो राजस्थान में श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल उद्योग है ये है कोटा में। 4 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। उसके बाद में आगे के सवाल में राजस्थान, निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा, स्वाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा। तो राजस्थान में ब्लैक पॉटरी के लिए वैसे तो कोटा प्रसिद्ध है, और ब्लैक पॉटरी है वो बनाने के लिए मिट्टी में कार्बन या कोयले का चूर्ण डाला जाता है जिसके कारण बर्तन है या मटके के जो भी हैं वो काले रंग के हो जाते हैं। तो ये जो ब्लैक पॉटरी है ये स्वाईमाधोपुर की प्रसिद्ध है। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा।
40 नंबर के सवाल में, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है? 445 किलोमीटर, 204 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, 328 किलोमीटर। तो इंदिरा गांधी नहर है उसकी मुख्य लंबाई है वो 445 किलोमीटर है, और इंदिरा गांधी नहर है ये, इसका जो पहले नाम है ये राजस्थान नहर था, लेकिन सन 1984 में इस नहर का राजस्थान नहर से नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर है वो कर दिया गया था। और ये इंदिरा गांधी नहर है ये सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरी के बेराज बांध से निकलने वाली नहर है ये। उसके बाद में उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। पिचियाक, पर्वतसर, सुसरा और खरनाल तेजाजी से संबंधित स्थान है जो नहीं है उसका हमारे को बताना है। तो इसमें पर्वतसर है, वहां पर तो तेजाजी का जो मेले हैं वो आयोजित होते हैं, तो ये स्थान तो तेजाजी से संबंधित है। खरनाल है, नागौर है, इसमें तेजाजी का जन्म हुआ था, तो ये भी तेजाजी से संबंधित है। और सुसरा, यहाँ पर तेजाजी ने अपने मोक्ष मुक्ति पाई थी, तो ये स्थान भी तेजाजी से संबंधित है। लेकिन पिचियाक जो जोधपुर में जो स्थान है ये तेजाजी से संबंधित नहीं है, एक नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? लालदास, चरणदास, सुंदरदास और सहजीव भाई। तो लालदास हैं ये अलवर के धूलीधूप गाँव में जन्मे हुए थे, तो इन्होंने तो अपनी जो लेखन है उसमें मेवाती बोली का प्रयोग किया। इसी प्रकार से जो चरणदास हैं जो और सहजोबाई हैं, ये चरणदास की शिष्य ही थी सहजोबाई, तो इन दोनों ने भी अपने, ये अलवर से ही संबंधित थे, तो इन दोनों व्यक्तियों ने भी अपने जो लेखन है उसमें मेवाती बोली का प्रयोग किया है। लेकिन जो गेटोलाव दोसा है उसमें जन्मे सुंदरदास से संत हैं, इन्होंने अपने ग्रंथों में मेवाती बोली का प्रयोग है वो नहीं किया था। और ये जो मध्यकालीन जितने भी जो संत हुए थे उनमें सर्वाधिक शिक्षित संत भी माने जाते हैं, तीन नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। रम्मत नामक रंगमंच नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? भरतपुर, मेवाड़, बीकानेर, धौलपुर एवं करौली। तो रम्मत है, रंगमंच नाट्य है, ये बीकानेर से संबंधित है, और ये रम्मत एक प्रकार का लोक नाट्य है जिसको एक स्टेज पर जो जमीन से थोड़ी हाइट पर हो ऐसे स्टेज पर कलाकारों के द्वारा बनाकर इस पर अलग अलग प्रकार की जो क्रियाक्रम हो उनको प्रस्तुत किया जाता है। और रम्मत का जो आयोजन है, इस लोक नाट्य का जो आयोजन है वो रामदेव जी जो लोक देवता हैं उनके गीत से, उनके रामदेव जी के गीत से इसकी शुरुआत है वो इस लोक नाट्य की जाती है। फिर राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान जैव विविधता नियम, राजस्थान बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स बनाया? 1994, 2002, 2010 और 2015। तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान जैव विविधता नियम की, राजस्थान की जितनी भी जो जैव विविधता है, जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं या पेड़ पौधों की जितनी भी जो प्रजातियाँ हैं उनका संरक्षण कैसे हो इस संबंध में एक रूल बनाया था, वो बनाया था सन 2010 में। तीन नंबर विकल्प सही उत्तर। फिर है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के फटार का भाग है? हड़ौती का फटार, चंबल का मैदान, लूनी का मैदान और बोराट का फटार। तो कौन सा भौतिक विभाग मालवा के फटार का भाग है? तो मालवा मध्य प्रदेश से सटा हुआ एक फटार है, इस फटार का जो भाग है वो है हड़ौती फटार का ही एक भाग है, ये एक नंबर विकल्प है, ये इसका उत्तर होगा। 46 में बसलोचित्रण किस चित्रकला से संबंधित है? तो बसलोचित्रण है ये कपड़े पर होने वाला, किया जाने वाला एक चित्रण था ये, और योगासन पद्धति के जो चित्र हैं ये चित्र संबंधित हैं अलवर चित्र शैली से, एक नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 47 में निम्न में से कौन से वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र हैं? कुछ जो कूट हैं वो दिए गए हैं और उनमें उन वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं, और ये पूछा है कि इनमें से सुशीर वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? नड़, नागफणी, अलगोजा और झालर। तो इसमें नड़, नागफणी और अलगोजा ये तीनों तो सुशीर वाद्य यंत्र हैं, यानी कि ये तो मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं, लेकिन जो झालर हैं ये वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, तो ये इनमें नहीं है। तो ए, बी और सी कूट हैं जो विकल्प नंबर दो में दे रखे हैं, ये दो नंबर विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 48 में ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तोरावटी, नागरचोल, चौरासी और खेराड़ी। तो ढूंढाड़ी है वो, उसकी उपबोलियां हैं वो तोरावटी बोली भी है, नागरचोल भी है और चौरासी है बोली भी
ढूंढाड़ी की उप बोलियों में सम्मिलित होती है, लेकिन जो खेराड़ी बोली है वो ढूंढाड़ी बोली के अंतर्गत, उप बोली के अंतर्गत नहीं आती है। ढूंढाड़ी बोली है वो शाहपुरा और बूंदी के क्षेत्रों में बोली जाने वाली एक बोली है जो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का तीनों बोलियों का संमिश्रण है, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। तो 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर होगा। 49 नंबर के सवाल में चार बेंत क्या है? नाद समुदाय से जुड़ा प्रसिद्ध नृत्य, गैर नृत्य के साथ प्रयुक्त वाद्य, ग्रास या जनजाति से जुड़ा गीत और काव्य से भरपूर एक लोकनाट्य विद्या। तो चार बेंत है वो काव्य से भरपूर एक लोकनाट्य है जो टोंक में उसका आयोजन होता है, और ये जो चार बेंत लोकनाट्य है इसको नवाबों की विद्या भी कहते हैं, कि प्राचीन समय में टोंक के जो नवाब हैं उनके समय से ही ये चार बेंत लोकनाट्य विद्या है ये चली आ रही है। उसके बाद में अंतिम 50 नंबर के सवाल में प्रसिद्ध घोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंध है? सीकर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और जालौर। तो प्रसिद्ध घोटिया अंबा का मेला है ये बांसवाड़ा जिले में लगता है, 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो साथियों इस तरह से ये आपके 50 प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं, और अगर चैनल ने को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जितने भी प्रश्नों के वीडियो हैं, और ज़्यादातर स्तरीय प्रश्नों के ही वीडियो मैं लेकर आऊँगा, तो उनके नोटिफिकेशन है वो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। और बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।